मक्सी में हुई हिंसा के आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुए, पीड़ित को कोई आर्थिक सहायता नहीं। मिलने के विरोध में मुस्लिम समाज ने आज राज्यपाल के नाम तकरीबन 5000 पोस्ट कार्ड भेजने का अभियान शुरू किया है। अभियान समाज के सदर आफिज खान के नेतृत्व में जुमे की नमाज के बाद शुरू हुआ और मस्जिद समाज ने प्रदेश सरकार से दोषियों की गिरफ्तारी और पीड़ितों की आर्थिक मदद और पुलिस पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। पोस्टकार्ड अभियान के माध्यम से मुस्लिम समाज के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग जोरों शोरों से उठाई गई और समाज के प्रतिनिधियों ने कहा है कि घटना के तकरीबन 65 दिन के बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने में नाकाम साबित हो रही, जबकि एक आरोपी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, खुलेआम घूम रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहा और जांच को प्रभावित करने के लिए जहां CID जांच की जा रही है, जबकि फरियादी पक्ष ने CID जांच की कोई मांग नहीं की थी। हाँ, हो जाएगी भाई साहब शुरू। मक्सी की हिंसा 25 सितंबर को मक्सी की हिंसा की घटना को 2 माह हुए हैं, अभी तक प्रशासन द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। व्यास जी झूठ रहे हैं। इसी के संदर्भ में मक्सी में पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जा रहा है। जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, पूरे जिले में पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जाएगा और प्रदेश में पोस्ट कार्ड के माध्यम से अपनी मांग को शासन तक पहुँचा रहे हैं। हमारी मांगे हैं जल्दी से जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करें, पीड़ितों को उचित मुआवजा दें। मक्सी में 25 तारीख 25 सितंबर को घटना हुई थी, उस संबंध में पीड़ित परिवार के मुखिया सदर आशिफ मैव द्वारा जो है उस घटना की गिरफ्तारियाँ नहीं हुई है। इस संबंध में सभी समाजजनों को मस्जिद के अंदर एकत्रित जब हुए तो उनसे अनुरोध कर पोस्ट कार्ड के माध्यम से राज्यपाल महोदय को जो है उन्होंने लिखा है कि शीघ्र गिरफ्तारियाँ किया जाए और उस प्रकरण में उनको जो है मुआवजा राशि जो भी दिलाना है इस संबंध में उन्होंने ये संदेश पोस्ट कार्ड के माध्यम से भेजा जा रहा है। वो जो कार्यक्रम रहा शांतिपूर्ण रहा और सभी लोग मस्जिद के यहीं इकट्ठे हुए थे, अन्य जगह कहीं गए नहीं है। कार्यक्रम में पूर्ण रूप से शांति रही, व्यवस्था लगाई गई थी।